Hello friends, a fine morning to everybody. I am Namita, your friend, welcoming you to my channel. So friends, we are doing place of visual arts and performing arts in teaching unit 3 of paper 9 art education. So yesterday we discussed about the different forms of performing art and different forms of visual art. So today we are going to start explain teaching as an art. Okay, so friends, I hope yesterday's class is helpful for you. The different types of performing arts, like what are the performing arts? See here, ballet, circus, dance, magic, music, everything we discussed. And we discussed about the visual arts, what are the different types of visual arts: drawing, painting, printmaking, photography, film making, computer, glitch art, sculpture, plastic art, everything. Yes or no? If my video is really helpful for you, then don't forget to like, share and subscribe. Please friends, don't forget to like and subscribe. So friends, so now we will do the question number 3, explain teaching as an art. So, पढ़ाना एक आर्ट है, एक कला है, कैसे? अभी हम देखेंगे. So friends, you know the teacher makes all other professions. Yes or no? एक teacher ही बाकी सारे जो भी professions है, like एक बैंक मैनेजर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक इंजीनियर हो गया, और जो भी एक टीचर हो गया, और एक आईएएस ऑफिसर हो गया, एक पुलिस हो गया. सबको किसने बनाया? दिस टीचर. सो टीचिंग एज एन आर्ट. टीचिंग, पढ़ाने को एक आर्ट क्यों बोला गया? बिकॉज फ्रेंड्स, एक टीचर जब क्लास आती है ना, क्लास में एक ही बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं. सो और बच्चे भी क्या होता है, सब लोग डिफरेंट होते हैं. सबका समझना, सीखना सब डिफरेंट होता है. सबका कैरेक्टर, सबका क्वालिटीज़, कोई अच्छा होगा पढ़ाई में, कोई अच्छा नहीं होगा पढ़ाई में, पोर होगा. तो वो सबको, सारे स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट. ओके, सो teaching as an art exhibits ways in which the teacher uses. टीचर क्या करते हैं? uses its creativity. पढ़ाने में creativity. देखो, कभी कोई टीचर अच्छे से पढ़ाए तो आपको समझ में आ जाता है, तो आप बोलते हो ये टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, एक बार जो पढ़ा देते तो दिमाग में घुस जाता है, ऐसे बोलते हैं. तो वो टीचर का क्या है? क्वालिटी है कि नहीं? आपको बिल्कुल बोर नहीं लगेगा. और कुछ टीचर्स का क्लास ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बाकी कभी कभी नींद आ जाता है, मन नहीं करता है पढ़ने का. और कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं भाई, एकदम हमें समझ में आ जाता है, और उनके क्लास के लिए हम वेट करते हैं, मैम का क्लास कब आएगा या सर का क्लास कब आएगा बोल के. हाँ कि नहीं? आपको, क्योंकि आपको उस क्लास में मज़ा आता है. तो उसका जो क्वालिटी, किसका क्वालिटी है? ये टीचर्स का क्वालिटी है. So, teacher uses creativity ways. The creativity ways to teach the students. Just teach the students find it to be fun and interesting to learn. Teacher ऐसे पढ़ाते हैं जैसे बच्चे को वो क्लास अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं? So teachers uses creativity ways. Different type of ways to teach the students so that the students find it to be fun and interesting to learn. Yes or no? Now, teaching as an art demonstrates how a teacher uses creativity ways. Teacher कैसे उनका creativity ways, उसका skill use करके to make the students understand the topic. किसी को समझाना इतना easy नहीं है, वो आप में वो quality होना चाहिए. देखो, there is a student A and student B. student A class में first आता है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बी उतना नहीं है, 50-50 है। स्टिल ये अच्छा पढ़ाता, ये अच्छा मार्क्स लाता है, ये पढ़ाई में अच्छा है। बाकी वी कांट से ही इज़ ए गुड टीचर, ये अच्छा पढ़ा सकता है ऐसा नहीं है। बी के पास 50-50 नॉलेज, 50-50 है, मतलब वो तो फर्स्ट नहीं होता है। स्टिल उसके पास एक क्वालिटी होता है जिसमें वो अच्छे से पढ़ा सकता है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसको सब कुछ आता है पढ़ाई में, जो अच्छा है वही टीचर बन सकते हैं। नहीं नहीं, उसके टीचर बनने के लिए आपके पास क्वालिटी होना चाहिए। So, teaching as an art demonstrates what? It demonstrates how a teacher uses creativity ways. कैसे टीचर उनका स्किल को यूज़ करके स्टूडेंट को वो टॉपिक अच्छे से समझाते हैं। So, we can say a teacher is a master artist. Teacher is a master artist. टीचर एक साथ पढ़ाते हैं, बच्चे को संभालते हैं, और ब्लैक बोर्ड में ड्राइंग भी करते हैं, लिखते हैं, समझाते हैं, गाना गाते हैं, ड्रामा करते हैं, एक्ट करके आपको दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है कि नहीं। सो ये टीचर इज़ ए मास्टर आर्टिस्ट। द मैनर एंड स्किल विथ विच आर्टिस्ट एम्प्लॉय देयर टूल्स, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो आर्टिस्ट होते हैं वो टूल्स एंड मटेरियल्स यूज़ करते हैं उनका ड्राइंग को, उसका पेंटिंग को अच्छे और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। द मैनर एंड स्किल विथ विच द आर्टिस्ट एम्प्लॉय देयर टूल्स एंड मटेरियल्स टू अचीव एन एक्सप्रेसिव इफेक्ट, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं जो टूल्स और मटेरियल्स यूज़ करके उनका पेंटिंग को, उसका ड्राइंग को अच्छा attractive बनाते हैं। Like that, similarly, a teacher uses his or her knowledge and skill to make the teaching interesting. वैसे ही एक teacher उनके skill को, उसके quality को use करके बच्चे को और class को interesting बनाते हैं, है कि नहीं। Teaching is a privileged position. Teaching is a privileged position, high position we can say, that demands responsibility. पढ़ाना एक क्या है, responsibility। आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हो, है कि नहीं। It is a responsibility of so many students. सबका responsibility आपके हाथ में होता है। Humility and respect. It is crucial that teacher recognize the importance of their role. Teacher को, जो भी teacher होते हैं उनको उनका responsibility, उनका importance का पता होना चाहिए। Teacher recognize the importance of their role. उनका role, उनका क्या, उनका duty क्या है उनको पता होना चाहिए। Self reflective about their actions. Self reflective means जो भी वो पढ़ा है उसने उनसे ही तो हमें समझ में आता है ना। आप टीचर से ही आप सीखते हो। Teaching is an opportunity to share new potential value, knowledge and experience with अदर्स। तो टीचिंग करते हैं वो क्या करते हैं, उनका उनके पास जो स्किल है और उनके पास जो नॉलेज है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर न्यू पोटेंशियल वैल्यूएबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ अदर्स। टीचर हैज़ टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, सबका अटेंशन जो कैप्चर कर पाएगा, इट इज़ ए वेरी बेस्ट क्वालिटी। सबको एक साथ बांध के रखना, आप में ही उनको मोहित कर देना। सो इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट क्वालिटी और ये सबके पास नहीं होता है. सो टीचर हैज़ टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स. टीचिंग इज ए ट्रूली क्रिएटिव प्रोसेस. येस, इट इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस. टीचिंग एक्लिप्स एक्सप्लेनेशन. टीचिंग में क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है. इंस्पायर्स होता है. मोटिव यू आर मोटिवेटिंग, यू आर इंस्पायरिंग अदर्स, यू आर एक्सप्लेनिंग अदर्स, एनलाइटिंग ए न्यू जनरेशन. न्यू आइडियाज़ देते हो बच्चे को, एक न्यू जनरेशन को क्रिएट करते हो. टीचिंग इज़ द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म. इट इज़ व्हाट? ऑप्टिमिज्म. यू नो ऑप्टिमिस्टिक. सो यू नो, एंड इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज. व्हाट इट इज़ सेइंग? इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर. किसका आर्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ द टीचर टू एवेकन जॉय, उसमें जॉय एंड इन क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन एंड नॉलेज, इन नॉलेज. सो टीचिंग इज़ द एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज. ऑलरेडी से टीचिंग का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ नॉलेज. एंड आप और भी एक कोटेशन लिख सकते हो क्या? Teachers makes all other professions possible. Okay, so this is all about teaching as an art. Teacher के पास subject का knowledge भी होना चाहिए, उनके पास पढ़ाने का quality भी होना चाहिए. वो teacher, उनका responsibility क्या है, duty क्या है, उनको वो भी समझ में आना चाहिए. teacher को जो class में जितने सारे बच्चे हैं सबका attention लाना चाहिए, पढ़ाई में उनको interest लाना चाहिए. तो ऐसे तरह के पढ़ाओ जैसे बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, है कि नहीं? कुछ ड्राइंग करो, कुछ प्रोजेक्ट वर्क, कुछ असाइनमेंट, टीम वर्क, क्लास में कुछ. पढ़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप बस पढ़ाई करो. पढ़ाई मतलब वो पढ़ाई को आप गाने के तरीके से और कुछ जोक्स या कुछ ड्रामा करके भी आप दिखा सकते हो. सो दैट स्टूडेंट्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, स्टूडेंट्स विल लिसन टू यू. यस और नो? So friends, this is all about the question number 3. So I hope you understood. Please let me know in the comment box how it is. Yeah, I'm explaining properly or not. And don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching my video. Namaste.